हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्रेटेगो। कल की वीडियो में हमने ये सेक्शन बनाया था और आज की वीडियो में हम एलिमेंटर का एडवांस जो टैब है ये वाला, इसको देखेंगे। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं, मार्जिन पैडिंग। आपको इनका अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको इसे अच्छे से समझ आए ये क्या चीज़ें होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो मार्जिन और पैडिंग है, ये दोनों स्पेस लेने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो एडवांस के टैब में होते हैं ये, और ये हर विजिट के साथ आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूं, एडवांस में जाऊं, मार्जिन पैडिंग आ रहा है। इसी तरह अगर मैं ये अपना कॉलम ओपन करूं, एडवांस में जाऊं, मार्जिन पैडिंग आ रहा है। इसी तरह अगर मैं अपना सेक्शन ओपन करूं, एडवांस में मार्जिन पैडिंग आ रहा है। तो ये हर विजिट के साथ आता है, बेशक वो एलिमेंट का विजिट हो या कोई सेक्शन हो या कोई कॉलम हो, ये सब के साथ एडवांस में ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए आपको वो बताता हूँ। इसका डिफरेंस आपको बताने के लिए मैं दो सेक्शन लेता हूँ। इस सेक्शन में मैंने ये हेडिंग डाल दी और इस सेक्शन के बैकग्राउंड में मैंने कोई कलर दे दिया। फिर मैं लिख देता हूं सेक्शन वन, और इसकी मैं थोड़ी हाइट बढ़ा लेता हूं। चलिए इतनी बहुत है। तो ये एक सेक्शन है, इसके अंदर मेरी एक हेडिंग है। तो अभी मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूँ, तो ये दूसरा सेक्शन आ गया है। इस पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन टू, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कोई और कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलग है। तो ये देखिए, इधर दो हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है। अभी आपको पता चलेगा कि ये मार्जिन और पैडिंग होती क्या है। ये देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं या किसी को भी सिलेक्ट करूं, किसी भी विजेट को जिसको मैंने स्पेस देनी है इसके अंदर या बाहर, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एडवांस में जाके ये मार्जिन पैडिंग को बढ़ाता हूं, तो ये देखें स्पेस मिलना शुरू हो गई है इसे, ऊपर से भी, टॉप से भी और नीचे बॉटम से भी, क्योंकि इधर मैंने टॉप और बॉटम दोनों में स्पेस दी है, दोनों में इसको मैंने मार्जिन दी है। और ये जो इसका स्पेस है ये बाहर की तरफ है, मतलब कि सेक्शन के अंदर स्पेस नहीं है, इसके बाहर की तरफ स्पेस आ रही है, ऊपर भी नीचे भी। और अगर मैं पैडिंग दूं तो ये देखें इधर भी स्पेस आ रही है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर स्पेस आ रही है, इसके बाहर स्पेस नहीं आ रही। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो पैडिंग है जिसके अंदर की स्पेसिंग होती है, और जो मार्जिन है जिसके बाहर की स्पेसिंग होती है। एक चीज और कि फॉर एग्जांपल ये हमारा हेडिंग का विजेट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको अगर मैं मार्जिन दूँ तो ये देखें इसकी स्पेस बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं पैडिंग दूं फिर भी वही काम हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इससे नेक्स्ट आपको एक चीज और बता दूं, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है इसके ऊपर अलग स्पेस हो, नीचे अलग हो, साइड पे अलग हो, तो ये आप कैसे करना है। आपने ये वाला बटन देखा होगा, लिंक वैल्यूज टुगेदर। इससे ये होता है कि जब मैं इधर कोई वैल्यू बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो सब में एक जैसी हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तो मैं इसको पहले अनलिंक कर दूंगा। अभी आप अपनी मर्जी से टॉप में अलग वैल्यू, राइट में अलग, बॉटम पे अलग, अपनी मर्जी से जितनी मैं देना चाहूँ। ठीक है,
तो ये था हमारा मार्जिन और पैडिंग भी इसी तरह। देखिए अभी माइनस में भी गई थी, तो माइनस में जाने से क्या होता है, जब कोई पैडिंग या मार्जिन हम माइनस में देते हैं, माइनस में देने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ, ये जो हमारा सेक्शन है ना, इसको अगर मैं पहले अनलिंक कर लूँ और ऊपर टॉप पे अगर मैं 50 पिक्सल का मार्जिन दूँ, 50 पिक्सल जितने 50 मैंने एंटर किया है, 50 पिक्सल का अगर मैं मार्जिन दूँ तो 50 पिक्सल का ऊपर स्पेस आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस में दूँ, लेकिन प्लस में देने से तो ये स्पेस ले रहा है, लेकिन माइनस में देने से ये उल्टा काम करेगा, ये स्पेस खाएगा। जैसे कि ये देखें, मैं माइनस में स्पेस, मैंने माइनस में इसको मार्जिन दिया तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन प्लस में देने से ये नीचे जा रहा है। ये पहले इधर था, जब मैंने प्लस में एंटर किया तो ये नीचे आ गया, लेकिन जब मैंने यही माइनस में दिया तो ये ऊपर चला गया। तो ये काम करता है, जब हम किसी को अपनी जगह से मूव करना चाहते हैं तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारी हेडिंग है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जहां पर मैं इसको लेके जाना चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ। ये देखें, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये राइट है, इसको मैं माइनस में दे रहा हूँ तो अपनी जगह से मूव कर सकता हूँ इसको, जहां पर मर्जी मैं लेके जाना चाहूँ। तो ये था हमारा मार्जिन और पैडिंग। और पैडिंग अगर माइनस में दे तो क्या होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए माइनस में दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो माइनस है, ये सिर्फ मार्जिन के साथ काम करता है, पैडिंग के साथ काम नहीं करता माइनस। तो यहाँ पे आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।